हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में। तो नेटवर्किंग में कौन सा कंपोनेंट्स यूज होता है बेसिकली, तो उसी टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ओके तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है वो एक्चुअली है क्या। जो यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स का दो टाइप होता है, वायर्ड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन, ठीक है? जैसे हम लोग कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है वो वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड होता है, जैसे वायर होता है ना हम लोग का, ठीक है, वायर कनेक्शन। एंड सेकेंड कौन सा है, वायरलेस, जैसे हम लोग वाईफाई से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड है, या तो हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पे दो टाइप का नेटवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वायर्ड नेटवर्किंग का कंपोनेंट्स कौन सा है, ठीक है? ओके, तो एस्टैब्लिश वायर्ड नेटवर्किंग इन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, वी रिक्वायर द एडिशनल कंपोनेंट्स दैट आर एज फॉलोस। तो वायर्ड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के लिए कौन सा जरूर है, मतलब कौन सा मतलब जरूरी है कंपोनेंट्स, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है, दैट इज नेटवर्किंग नेटवर्क कार्ड, ओके। सो नेटवर्क कार्ड क्या है, यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो तुम लोग, ये वाला एक कार्ड, यहाँ पे कार्ड का ऐसा एक सिंबल आ रहा है। तो ये जो है ये एक नेटवर्क कार्ड है। ये नेटवर्क कार्ड हम लोग का कंप्यूटर्स के पीछे में होता है, ठीक है? हम लोग का कंप्यूटर्स का पीछे जो एक कंपोनेंट आता है, तुम लोग कभी देखना सीपीयू में, सीपीयू जो है उसका पीछे जहाँ पे हम लोग माउस का जो केबल्स या तो हम लोग यूएसबी केबल्स लगाते हैं ना, वहाँ पे एक केबल, मतलब अभी तो देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि आज के दिन में जितना सारा मॉडर्न जो कंप्यूटर्स आ रहा है वो उसमें इनबिल्ट आता है, ठीक है? पहले का जो सीपीयू है उसमें अगर तुम देखोगे तो ऐसा एक कार्ड मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते क्या लिखा है। ए नेटवर्क कार्ड इज यूज फिजिकली अटैच ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। ये फिजिकली अटैच होता है, ठीक है? तो इसको अटैच करने का यही एडवांटेज है क्योंकि हम इसको अगर अटैच नहीं करेंगे तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? ये जो कार्ड है इसका नाम ही है नेटवर्क कार्ड, ये हम लोग को नेटवर्क से कनेक्टेड रखता है, ठीक है? ओके, सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? कोई भी नेटवर्किंग का मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा एक कंप्यूटर तक कम्युनिकेशन करने के लिए या तो बहुत सारे कंप्यूटर तक, मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड होने के लिए हम लोग को ये जो कार्ड है उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा हम लोग का पीछे, ठीक है? इथरनेट नेटवर्क कार्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड। नाउअडेज मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स कम विद द इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड। ऑलरेडी मैंने बोला कि आज के दिन में ये जो नेटवर्क कार्ड है वो इनबिल्ट आता है। पहले क्या था, ये हम लोग का जो सीपीयू था, सीपीयू के पीछे में लगा हुआ था, ठीक है, लगा रहता था, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है नेटवर्किंग केबल्स। नेटवर्किंग केबल्स तुम लोग ने देखा होगा, शायद हम लोग का लैब में देखा होगा ऐसा एक केबल्स, मतलब हम लोग का एवरी सीपीयू में पीछे में लगा हुआ है। तुम लोग ने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा शायद, लास्ट ईयर मैंने प्रैक्टिकल जब किया था तो तुम लोग ने शायद नोटिस किया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग केबल्स, इसको हम लोग RJ45 केबल्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये इसका मीनिंग क्या है कि ये कंप्यूटर से हम लोग को दूसरा कंप्यूटर तक कनेक्टेड होता है, ठीक है? मतलब हम लोग को कनेक्ट करके रखता है, एक कंप्यूटर से दूसरा या तो तीसरा, जितना सारा कंप्यूटर हम लोग कनेक्टेड है तो ये RJ45 केबल या तो नेटवर्किंग केबल्स इससे हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है? मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क्स यूज ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 वायर्स। These wires are arranged in a special order and an RJ45 connector similar in design but bigger than the connector used with telephone wire. Similar design but bigger than the connector used with the telephone wires. It is crimped at both end of the cable. Okay. तुम लोग ने टेलीफोन का जो पहले का जो टेलीफोन था तो नोटिस किया होगा शायद, टेलीफोन का जो पीछे में क्या होता था, एक ऐसा क्लिप, एक टेलीफोन से दूसरा एक टेलीफोन से तक कनेक्ट करने के लिए ऐसा हम लोग वायर को हम लोग कनेक्ट करते थे वायर, ठीक है? तो एवरी टेलीफोन के पीछे में एक क्लिप होता था, क्लिप, ठीक है? उस क्लिप को हम लोग टेलीफोन का यहाँ पे कुछ जगह में हम लोग ऐसे उसको अटैच कर देते थे, ठीक है? तो क्या होगा, जो टेलीफोन का वायर है उस टेलीफोन का वायर से क्या होगा, उस टेलीफोन तक सिग्नल आएगा, ठीक है? मतलब वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो यहाँ से अगर फोन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली सिग्नल रिसीव होगा। अगर वो वायर अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी फोन का सिग्नल नहीं आएगा, तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही मतलब
RJ45 का जो केबल है वो ऐसा ही है जो टेलीफोन में यूज होता था, सिमिलर डिजाइन जो है वो सिमिलर ही है, तो थोड़ा क्या है बिगर साइज, वो थोड़ा दिखने में थोड़ा बिगर है, ठीक है। तो तुम लोग ने लैब में देखा होगा, तो यही जो वायर है वही वायर से हम लोग वायर्ड कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर होता है वो डायरेक्टली या तो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, या तो वो डायरेक्टली हम लोग का जो हब और स्विच है उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये जो हब और स्विच है ये क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, ये मतलब नेटवर्किंग केबल्स है। केबल्स तो चाहिए होगा क्योंकि वायर्ड कनेक्शन हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। जो वायर्ड कनेक्शन है उसके लिए हम लोग को केबल्स चाहिए होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये क्या है, RJ45 कनेक्टर भी बोलते हैं हम लोग उसको, RJ45 कनेक्टर, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज दिया है, लेट्स नो मोर प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है, हम लोग ने सुना होगा शायद प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो ये प्रोटोकॉल्स है क्या, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आर द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क्स, कंप्रेस्ड, प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन एंड सो ऑन। प्रोटोकॉल्स है क्या, अगर हम लोग सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर बोलने जाए, प्रोटोकॉल्स क्या है, कुछ रूल्स होता है, रूल्स, सब सर्टेन रूल्स। जैसे कंप्यूटर्स में एक जगह से दूसरा एक जगह तक जब भी कोई इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर्ड होगा, या तो एक जगह से दूसरा एक जगह तक जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होता है, कुछ रूल्स, ठीक है, बहुत सारा रूल्स है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब सम सर्टेन रूल्स। जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल नाम सुना होगा, IP प्रोटोकॉल, जैसे उसके बाद बहुत सारा प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल, ठीक है, टेलनेट प्रोटोकॉल। तो ये सब क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स है। तो बेस्ड ऑन दिस रूल्स द डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके, समझ में आएगी नहीं, तो हमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स क्या है। तो अभी जस्ट जान लो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कुछ सर्टेन रूल्स होता है जहां से विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स एक जगह से दूसरा एक जगह तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर या तो रिसीव होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हब्स एंड स्विचेस। ये हब्स एंड स्विचेस है क्या, ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक प्रकार का डिवाइस है, क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नेटवर्क कार्ड्स आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर इथरनेट केबल्स। जो नेटवर्क कार्ड्स है हम लोग ने ऊपर में देखा था, वो यूज किया जाता है किसके लिए, सेंड एंड रिसीव डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर इथरनेट केबल्स। जो केबल्स है विद द हेल्प ऑफ दिस केबल्स वो जो नेटवर्क कार्ड्स है वो लोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव दोनों काम होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल्स एंड नेटवर्क कार्ड्स। व्हेन ए नेटवर्क हैज मोर देन टू कंप्यूटर्स, अगर नेटवर्क में दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर्स है तो क्या होगा, अगर दो कंप्यूटर्स है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर, डायरेक्टली हम लोग वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी देखा नेटवर्क केबल से। नेटवर्क केबल्स का क्या होता है, दोनों साइड में ऐसा क्लिप होता है, दोनों साइड में क्लिप होता है, एक क्लिप यहाँ पे हम लोग अटैच करेंगे, दूसरा क्लिप ये वाला कंप्यूटर में हम लोग अटैच करेंगे, तो क्या होगा, दोनों कंप्यूटर्स क्या होगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा, येस और नो। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, अगर दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर्स अगर है तो क्या करेंगे, बहुत सारा कंप्यूटर्स, ऐसा बहुत सारा कंप्यूटर्स है यहाँ पे, ऐसा बहुत सारा कंप्यूटर्स कनेक्ट, या बहुत सारा, तो क्या करेंगे, तो तभी क्या होगा, यहाँ पे डिवाइस हम लोग यहाँ पे यूज में लेंगे, जो डिवाइस का नाम है या तो हब्स या तो स्विच, दोनों में से एक को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वी नीड एन इंटरफेस थ्रू व्हिच द कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड। हम लोग को क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए, मतलब एक मीडियम चाहिए जहां से हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग डेटा को हम लोग या तो सेंड या तो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय ए हब और ए स्विच। ये जो फंक्शन होगा पूरा डेटा बहुत सारा कंप्यूटर्स तक ट्रांसफर करना, रिसीव करना कौन करेगा, हब या तो स्विच करेगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय हब और ए स्विच। ओके, हब्स वेयर द प्रेफर्ड मीडियम इन अर्लियर टाइम्स, बट नाउ स्विचेस आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर बेटर एफिशिएंसी। ये जो है, ये डिवाइस क्या है, ये हब है। ये हब पहले यूज होता था, लेकिन आज के दिन में क्या ज्यादा यूज हो रहा है, स्विच को यूज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, स्विच, क्योंकि थोड़ा बेटर एफिशिएंसी है स्विच में, ठीक है। क्या है हब एंड स्विच के बीच में डिफरेंस, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
हब में कुछ इंटेलिजेंस कम है, जो इंटेलिजेंस किसके पास है, स्विच में। स्विच को थोड़ा अच्छे से उसको डिजाइन किया, हब में थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस था जो स्विच में नहीं है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फिगर में देख रहे हो, ये क्या है, स्विच है। यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा केबल्स कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये सब केबल्स है, क्लिप से कनेक्टेड है। एक एक केबल एक कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से एक केबल आया, सेकंड कंप्यूटर से एक केबल आया, थर्ड कंप्यूटर से एक केबल आया, फोर्थ कंप्यूटर से एक केबल आया, फिफ्थ से आया। तो ऐसे बहुत सारा कंप्यूटर से एक एक केबल ऐसे आया, नेटवर्किंग केबल्स आके यहाँ पे स्विच से कनेक्टेड है। तो एक मेन जो वायर आएगा जैसे बाहर से आएगा, जैसे हम लोग का साइबिकास में ऐसा एक स्विच है, तो बाहर से क्या आएगा, जैसे हम लोग का जो गुवाहाटी सिटी से कई जो ये इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है वहां से एक वायर आएगा और वो वायर यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड होगा, समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, जितना सारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड होगा, तो डायरेक्टली उन लोगों को मिल जाएगा नेटवर्क इंटरनेट, समझ में आएगी नहीं। मेन जो वायर है वो वायर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट अभी यहाँ पे होगा, तो क्या होगा, बाकी कंप्यूटर्स यहाँ पे पोर्ट में यहाँ पे कनेक्टेड होगा, मतलब बाकी कंप्यूटर्स यहाँ से यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होगा, तो बाकी उन लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी नहीं, एकदम इजी है। मेन जो वायर है वो वायर यहाँ पे आएगा, स्विच में कनेक्टेड होगा, तो स्विच में इंटरनेट कनेक्शन मिल गया। अभी क्या होगा, जितना सारा वायर यहाँ पे हम लोग जो केबल्स है यहाँ पे हम लोग अटैच करेंगे, तो जितना सारा करेंगे उतना सारा कंप्यूटर्स में इंटरनेट मिल जाएगा, ठीक है, ओके। ए हब स्विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, कुछ परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस है ये हब और स्विच का, क्या क्या है देख लेते हैं। एक्स एज एन सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर ऑल द कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क, एवरी कंप्यूटर प्लग्स इनटू द हब स्विच। ये क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट है जहां पे बहुत सारा कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एवरी कंप्यूटर प्लग्स इनटू ए हब और स्विच, एवरी कंप्यूटर्स क्या होगा, यहाँ पे प्लग होगा, ठीक है, प्लग इनटू ए हब और स्विच, यहाँ पे स्विच में कनेक्टेड होगा, ठीक है। टू अरेंज द पोर्ट इन सच ए वे सो दैट इफ ए पीसी ट्रांसमिट डाटा, द डाटा इज सेंट ओवर अदर कंप्यूटर्स थ्रू इट्स नेटवर्क कार्ड। तो ये पोर्ट को ऐसे कनेक्टेड होगा कि अगर कोई कंप्यूटर्स में कोई अगर डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा, वो नेटवर्क कार्ड से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर या तो कोई भी इंटरनेट में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अभी सेंट एंड डाटा को हम लोग सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर तक, समझ में आए कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कार्ड, ठीक है। जो पीसी के पीसी में जो लगा होता है ना नेटवर्क कार्ड, ऑलरेडी मैंने बोला, तो वो नेटवर्क कार्ड के विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क कार्ड अभी हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके, यही है। बेसिकली द हब स्विच इज ए बॉक्स विद ए सेट ऑफ RJ45 पोर्ट्स, ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज कनेक्टेड टू हब स्विच वी आर इंटरनेट केबल्स। तो ये हब एंड स्विच क्या है, बेसिकली एक बॉक्स है जो सेट ऑफ RJ45 पोर्ट्स, ये जो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ना ऐसे, यहाँ पे ये सब क्या है, पोर्ट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्स। तो ये जो केबल्स आ रहा है, तो केबल आके यहाँ पे पोर्ट में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये RJ45 पोर्ट्स, तो ये स्विच एंड हब्स क्या है, सेट ऑफ बॉक्स विद RJ45 पोर्ट्स, ओके, कनेक्टेड टू इंटरनेट केबल्स, ओके। टू एस्टेब्लिश वायरलेस कनेक्शन, अभी अगर वायरलेस कनेक्शन को, ये था क्या, ये तो वाइड कनेक्शन था, अभी वायरलेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे। टू एस्टेब्लिश वायरलेस कनेक्शन वी रिक्वायर्ड फॉलोइंग कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट्स क्या है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड। अभी पहले क्या था, नेटवर्क कार्ड था वो फिजिकल था, अभी क्या है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड चाहिए हम लोग को, एक वायरलेस नेटवर्क कार्ड चाहिए जो बहुत सारे डिवाइस में ऑटोमेटिकली आता है और सीपीयू में भी ऑटोमेटिकली आता है। अगर तुम आज के दिन में खरीदने जाओगे तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड इनबिल्ट आता है, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क कार्ड इज यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड्स दैट आर यूज इन द वायर्ड नेटवर्क्स। जो वायर्ड नेटवर्क जहां पे यूज किया था हम लोग ने पहले, जैसे जो जगह में सीपीयू में यूज होता था वायर्ड नेटवर्क्स कार्ड, तो उस जगह में भी हम लोग वायरलेस नेटवर्क कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें लगा सकते हैं। मोस्ट लैपटॉप्स कंप्यूटर्स कम विद इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड, जैसे आज के दिन में खरीदने जाओगे तो इनबिल्ट आएगा, ठीक है, ओके। रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, देयरफॉर इथरनेट केबल इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे रेडियो सिग्नल से डेटा ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे इसलिए इथरनेट केबल्स का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे केबल्स का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वायरलेस नेटवर्क है क्या, वो एक रेडियो सिग्नल होता है कि नहीं,
जहां से हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस पॉइंट और राउटर्स। तुम लोगों ने सुना होगा सर एक्सेस पॉइंट, जैसे 127 डॉट डॉट ऐसे कुछ डायरेक्टली टाइप करने से डायरेक्टली ये एक एक मतलब सपोज ये हम लोग का क्या है, एक राउटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राउटर बोलेंगे या तो एक्सेस पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे राउटर में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स होगा, क्या बोलते हैं, पोनोट पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं हम डायरेक्टली उसको, क्या बोलेंगे, सपोज कुछ कोड होगा जैसे 127.7.2.3 ऐसे कुछ पॉइंट्स होगा। तो मतलब यहाँ पे फिक्स होगा, जैसे तुम लोग अगर हॉटस्पॉट से अगर कनेक्टेड कर दो क्या होगा, तो हम लोगों पहले जो पर्सन से हम लोग हॉटस्पॉट ले रहे हैं ना, तो उसका जो पासवर्ड है हम लोग को डालना पड़ेगा, यस नो। तो ऐसे भी यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स का कुछ यहाँ पे एड्रेस होगा, जो एड्रेस को हम लोगों को अगर कनेक्ट होना है, यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर से मुझे डायरेक्टली यहाँ तक कनेक्ट होना है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड होना है, तो मुझे इसका जो एड्रेस है मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, मैं इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ एड्रेस है, जो एड्रेस यहाँ पे मुझे उसको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट और राउटर्स इंस्टेड ऑफ हाफ स्विचेस दिस हैव सम वायरलेस एंटेना। यहाँ पे कुछ एंटेनास होगा, ये जो एंटेना दिख रहे हो ना तुम, ये एंटेना, यहाँ पे एंटेना होता है जो नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है, वायरलेसली प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कोई भी केबल्स नहीं होता है। दिस हैव वायरलेस एंटेना व्हिच इंक्रीसेस द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल्स। एक्सेस पॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू जॉइन ए वायर्ड नेटवर्क, दस मेकिंग द नेटवर्क ए कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एज वेल एज वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क। तो क्या एक्सेस पॉइंट क्या है, हम लोग डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्टेड होता है, कनेक्ट हो सकते हैं और वायर्ड से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्सेस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कुछ एड्रेस होता है कि कोई भी बाहर का जो लोग है उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब बोल सकते हो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, लेकिन वहाँ पे पासवर्ड लिखा नहीं होता है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे 127.3.3 ऐसे कुछ पॉइंट्स होगा जो यूनिकली यूनिक होगा, ठीक है। तो हम लोगों को उस यूनिक कोड को हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी हम लोग मतलब जो इंटरनेट है उससे कनेक्टेड, मतलब इंटरनेट मतलब हम लोग डायरेक्टली ये राउटर से कनेक्टेड होंगे तो डायरेक्टली मुझे इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना टाफ भी नहीं है, थोड़ा आसानी से देखो, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या है, नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड हम लोग को चाहिए, हम लोग का सीपीयू के पीछे लगा होता है, ठीक है, आज के दिन में इनबिल्ट आता है। उसके बाद नेटवर्किंग केबल्स क्या है, नेटवर्किंग केबल्स ये जो हम लोग का वायर है, ठीक है, तो ये वायर हम लोग का पीछे लगा होता है, हम लोग का जितना सारा सीपीयू है अगर हम लोग को इंटरनेट से कनेक्टेड होना है। तो हब्स एंड स्विचेस क्या है, हब एंड स्विचेस क्या है, बेसिक जो मेन इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे ही आता है। बाहर से जो इंटरनेट आएगा, जो भी हम लोग को प्रोवाइड करेगा इंटरनेट, वो डायरेक्टली ये केबल से डायरेक्टली स्विच में आएगा। तो क्या होगा, स्विच से क्या होगा, डायरेक्टली जितना सारा हम लोग का कंप्यूटर है लैब में या तो हम लोग का स्कूल में, डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट को हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्टली जितना सारा कंप्यूटर है उसमें डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर वायरलेसली कनेक्टेड होना है तो हम लोग को, अगर वायरलेस, अगर कोई वायर का अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग को ऐसे एक राउटर लेना पड़ेगा जहाँ पे एंटेनास हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ पासवर्ड होगा या तो कुछ एक्सेस पॉइंट होगा, तो उस एक्सेस पॉइंट या तो एड्रेस या तो कुछ पासवर्ड को हम लोग को डायरेक्टली टाइप करके तो हम लोग डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, वाईफाई डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यही है बेसिक चीज। तो आज के दिन में क्या क्या सीखा हम लोग ने, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग और हम लोग ने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में सीखा, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में सीखेंगे, कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। तो कुछ अगर यहाँ पे डाउट्स है तो मुझे डायरेक्टली आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मेरा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है और मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे डायरेक्टली बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो अच्छा है कि तुम लोग अपने डाउट्स को क्लियरिफाई कर लो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।